करते हुए बिल्कुल सर्वप्रथम अपने गुरुवर के चरणों में नमन वंदन कर रही हूँ, उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। तत्पश्चात यहाँ पे बाबा भीमा जी को नमन कर रही हूँ। भीमा बाबा की जय हो, उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। यहाँ पे बैठे हुए सभी भक्तों को नमन कर रही हूँ, आशीर्वाद ले रही हूँ। आइएगा विलंब ना करते हुए चलते हैं माँ माई के दरबार की ओर। कहना है उस माँ माई से, क्या कहना है माँ माई से? माँ तो बिछड़ा सकती है, सूखे फूलों को भी खिला सकती है। माँ तो बिछड़ों को मिला सकती है, सूखे फूलों को फिर से खिला सकती है। माँ की तुलना में हो नहीं सकते देवता भी, माँ चाहे तो मुर्दे को जिला सकती है। मुर्दे को भवन में फंसी है, उसको पार लगा दो माँ। सताया गमोने मैं हूँ बेसहारा, भवर बीच नैया माँ तू ही किनारा। और माँ अलंकार रसिका अलंकार रसिका ये संगम न होता, अलंकार रसिका ये संगम न होता। कैसे? कैसे? अगर माँ न होती, अगर माँ न होती और मेरे गीत में सा शरगम न होता, मेरे गीत में सा शरगम न होता। अगर माँ न होती, 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 अगर माँ न होती। कोई अमृत भी दे तो जहर लगता है, सबसे प्यारा मेरी माँ का दर लगता है, उसके लिए राहों में भी आसान सफर लगता है। ये तो मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। बैजू बाबरा ओ
से खान पान सेने और मेरा सेने और मेरा सेने और मेरा। माँ जितने ये कवि लेखक गायक जितने भी हुए हैं वो आपकी ही कृपा है। आपकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो माँ लहराया इन्ने का क्या बात है क्या बात है। लहराया इन्ने का यू परचम न होता कैसे। लहराया इन्ने का यू परचम न होता अगर माँ न होती अगर माँ न होती। ओ मेरे गीत में सा शरगम न होता मेरे गीत में सा शरगम न होता अगर माँ न होती अगर माँ न होती अगर माँ न होती अगर माँ न होती। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी ये श्रद्धा व पूजा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों के खाता खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता माँ बाप की सेवा ही जमानत बनेगी। तो माँ मैंने सुना है कि आप सभी की बिगड़ी बनाती हैं। तो माँ मैं भी आपके दरबार में आई हूँ आपका वंदन कर रही हूँ आपको बुला रही हूँ। माँ सुना है कि बिगड़ी सुना है कि बिगड़ी सभी की बनाती ये कीर्ति अचल धीमा तुमको मनाती। सुना है कि बिगड़ी सभी की बनाती ये कीर्ति अचल धीमा तुमको बुलाती। और अचल में कभी भी माँ अगर आप नहीं होती तो मेरे भैया अचल में इतना दम नहीं होता और उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। और वो अपने गुरुवार श्री मेरे दादा गुरु श्री शंकर रागिया जी की जय कृपा से है। तो माँ अचल में कभी भी मैं ये दम न होता अचल में कभी भी मैं ये दम न होता अगर माँ न होती अगर माँ न होती अगर माँ न होती अगर माँ न होती अगर माँ न होती। मेरे गीत में सा शरगम न होता मेरे गीत में सा शरगम न होता अगर माँ न होती 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 अगर माँ न होती। श्री राम शंकर
कर राजपूत जी ने शुरुआत कर ही दी है। बिल्कुल शुरुआत उन्होंने कर दी है, सवाल जवाब और जवाब सवाल की। बहुत ही प्यारी धुन दी हुई है भैया ने। बिल्कुल सुनेगा सुनाइएगा। सारा सारा दिन तेरी याद सताए, सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात को नींद लाए, बावरी हो गई प्रीत में तेरी, दिल कहीं चैन न पाए, तूने ऐसी लगन लगाई, तूने ऐसी लगन लगाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं दौड़ी चली आई, तूने प्यार की, तूने प्यार की तीन बजाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं भागी चली आई, और भैया ने मर्ज दी हुई है। बताया बताया कि कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले यहाँ पे कमेटी की बैठक हुई। बिल्कुल तत्कालीन बैठक, और बैठक हुई तो भैया यहाँ भागे चले आए। और क्या, वो बैठक में शामिल थे। भैया अगर भिम्मा बाबा की कृपा ना होती तो ये बैठक ही नहीं होती, और ये बैठक नहीं होती तो आपने कहा भागे चले आए। मैं भागा चलाया, मैं भागा चलाया, लेकिन भैया जब तक बाबा की कृपा नहीं होगी बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। आप भागते क्यों आए, आराम से आते। और यहाँ पे तो वर्षों से पूजा हो रहा है, बाबा का पूजन हो रहा है। बिल्कुल तो सुनिएगा, मैंने भी कुछ प्रयास किया है। क्या किया है? गत वर्षों से यहाँ सुनेगा राजपूत भैया जी, गत वर्षों से यहाँ भक्त जन करते हैं पूजन अर्चन, गत वर्षों कई वर्षों से यहाँ पे पूजन अर्चन करते बाबा भीमा का। बिल्कुल भाव भरा होता है मन में बाबा करते वंदन, बाबा का वंदन करते हैं। अगर मन में भाव भरा हो तो बाबा सबकी फरियाद सुन लेते हैं। और क्या, आप कह रहे थे बाबा जिससे चंदा मांगने जाते थे उसी से ही लेते थे, लेकिन भैया जी, भैया जी अगर मन में भाव हो, श्रद्धा हो तो कुछ भी संभव है। ओका, कुछ भी
भीमा बाबा की जय ध्वनि छाई। भीमा बाबा की सब लोग जय जयकार मचा रहे हैं, उनकी जय ध्वनि उनका प्रचार हुआ। मैंने भी जय कार लगाई और भैया जी आप बता रहे मैं भागी चली आई, भागा चला आया। मैंने भी जय कार लगाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं दौड़ी चली आई। सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे कमेटी के लोग जितने भी सदस्य हैं और यहाँ पे बैठे हुए हर भक्त जन, जनता दौड़ी चली आई, जनता दौड़ी चली आई। हुआ यहाँ पे आके पे शीश झुका दिया, बिल्कुल जिसने नहीं झुकाया झुका ले। सदा अनगिनत संख्या में है भक्त यहाँ पर बातें मन की अपने लोगों ने बताई, मन की बताई। आकर चरेड़ों में अर्जी लगाई, मैं दौड़ी चली आई, मैं दौड़ी चली आई। कृष्ण माना जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, भैया श्री मैको दुंदी खेड़ा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको, माता रानी सदैव आपका कल्याण करें। और ये भैया श्री वेद प्रकाश यादव प्रधान तरहेटा पुरवा उन्नाव जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रधान जी आपको। और ये भैया श्री रामलाल कोडरा निवासी 51 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। भैया श्री सुमित यादव परिचालक कैंसर बाग डिपो लखनऊ की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको, आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और ये भैया श्री मटरू यादव धुंदी खेड़ा की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। और ये राजपूत वस्त्रालय एवं टेंट लाइट हाउस की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। ये बिहार रोड बाजार तिराम मोरावा उन्नाव में है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको, आशीर्वाद की कामना करें, माता रानी सदैव आपका कल्याण करें। तो पुरस्कार ही चला रहा। और ये भैया श्री शिव मोहन प्रधान मुरैता की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको, अच्छा अच्छी काम नहीं। और ये समित की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार आया हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो बेटे। और ये भैया श्री वेद प्रकाश यादव प्रधान दर
सर हेटा पुरवा उन्नाव की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। और ये भैया श्री विजय गुप्ता प्रधान मिटौली मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पुरवा उन्नाव जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। और भैया श्री विजय गुप्ता जी ने 1100 रुपए का पुरस्कार कमेटी को दिया है। बिल्कुल जय जय जोरदार तालियां विजय गुप्ता जी के लिए। बिल्कुल। और ये भैया श्री उदय भान सिंह यादव प्रधानाचार्य राम प्रसाद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हृदय नगर मोहद्दीनपुर लोगों को पता है ये 101 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। और ये भैया श्री मनोज सिंह प्रधान मुरैता जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। ये है हमारा सौभाग्य भैया जी कि हम आपके यहाँ जागरण करके आए हैं। और हाल ही में और ये भैया श्री नटरू यादव दुंदी खेड़ा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। और ये भैया श्री सुखू यादव दुंदी खेड़ा जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। और है कुछ अभी और ज्ञान मंदिर भैया श्री राम प्रसाद विद्या मंदिर मोहद्दीनपुर असगरगंज उन्नाव इंटर कॉलेज भैया श्री रोहित मास्टर पिथई खेड़ा जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। और ये एडवोकेट श्री राधा कृष्ण यादव दो पति पंती बीमा बाबा के लिए। बिल्कुल आकर देखा जब हम यहाँ आए और आकर देखा कि सब लोग यहाँ व्यस्त थे भंडारा कराने में। सुनेगा आकर देखा जब मैंने ये भक्त व्यस्त थे इतने दर्द के नाम पर बाबा भी माँ कभी व्यस्त थे जितने बाबा भी माँ जितना व्यस्त थे कभी धर्म के काम में आज उतना ही व्यस्त यहाँ पे उनके भक्त थे उनका भंडारा कराने में। और क्या कोई आलू काट रहा भागा बोल भीमा बाबा की। आइए आज याद फिर से बाबा की आई याद आज फिर से बाबा की आई पप्पू यादव मोती खेड़ा जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है हमारे गुरु जी के लिए। और ये भैया श्री अशोक कुमार गुप्ता अनामिका इंटरप्राइजेस बसाती राम मुरैता मोरावा जनपद उन्नाव 101 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है जवाब पे ये मेरे गुरु जी के लिए है। और ये भैया श्री अरविंद सागर प्रधान कोलरा 101 रुपए का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। आज याद फिर से
आज याद फिर से बाबा की आई, मैं दौड़ी चली आई, मैं दौड़ी चली आई। आज याद फिर से बाबा की आई, मैं दौड़ी चली आई, मैं दौड़ी चली आई। बोलिए रावण जलाया भोका भोका भी। और ये भैया जी संजय ज्वेलर्स सदर बाजार हिलोली जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। और ये भैया जी राजेश यादव चाय वाले टिक्का खेड़ा 11 रुपए का पुरस्कार आया हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपको। आइएगा और से गीत बजा कहा फिल्मी दुनिया वालों ने। पत्थरों को भी वफा फूल बना सकती है, पत्थरों को भी वफा फूल बना सकती है, ये तमाशा भी सरेआम दिखा सकती है। लोग पत्थर उठो जमाने के खुदा, तुम्हें मैं आजमाओ, मुझे तुम आजमाओ, मुझे तुम आजमाओ, मुझे तुम आजमाओ। अब दुआ अर्ज पे अब दुआ अर्ज पे जाती है असर ढाने को, अब दुआ अर्ज पे जाती है असर ढाने को। कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। कोई पत्थर से कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने। विषय चेंज कर रही हूँ, बिल्कुल बदल रही हूँ, सुनेगा सुनाइएगा बात उस समय की जब राम रावण युद्ध में श्री राम जी ने उसके सारे अस्त्र शस्त्र काट कर 10 शीश और बीच भुजाएं काट दी, तो उसकी मौत का समय नजदीक जानकर भगवान राम ने अपने छोटे भाई लखन लाल को उससे शिक्षा लेने के लिए भेजा। अच्छा सुनिएगा, विद्वान ब्राह्मण है उसका अंतिम समय है, वह गिर गया सम्रांगण में अपना रही मैं है, मेरी बात मान करके पास रावण के जाओ, अंतिम समय में कुछ अच्छी शिक्षा लेकर आओ। भाई की बात सुनकर लखन लाल चल दिया लेने शिक्षा रावण से, वो तत्काल चल 10 बाल के सम्मुख जा खड़े हो गए। सिर के ऊपर खड़े हो गए
और सिर के ऊपर खड़े हो गए। हाँ हाँ, सिर के बगल में पीछे सिर की तरफ खड़े हो गए और रावण से कहने लगे कि हमको भैया ने भेजा है शिक्षा लेने के लिए। हाँ। तो रावण कुछ नहीं बोला, कुछ बिल्कुल बोला ही नहीं, लौट आए। तो जब भगवान श्री राम के पास लौटे तो भगवान ने पूछा क्या कि लखनलाल तुम लौट क्यों आए? हाँ, तुम लौट आए तो लौट आए कि रावण ने कुछ नहीं बोला ना? तो भगवान श्री राम ने पूछा तुम किस ओर खड़े थे? कहाँ खड़े थे? तो लखनलाल ने बताया सिर की तरफ खड़े थे। तो सिर की तरफ खड़े थे तो भगवान श्री राम ने कहा सिर की तरफ नहीं पैरों की तरफ खड़े होना। दस भाल के सब जा तैर मन में सहेजा भैया ने शिक्षा के लिए तेरे पास है। सुनकर लखन की बानी को रावण दुख सहने लगा। समझा करके लखन लाल को रावण यूं कहने लगा। क्या कहने लगा सुनिएगा, रावण लखनलाल से कहे क्या रहा है, क्या कह रहा है? लक्ष्मण आए हो लक्ष्मण आए हो यदि मुझसे सीख पाने को, लक्ष्मण आए हो यदि मुझसे सीख पाने को, लक्ष्मण में रहे बदलाना कुल जमाने। रावण ने लखनलाल से चार शिक्षाओं का जिक्र किया, चार शिक्षाओं का जिक्र किया बिल्कुल, और कहा कि लखनलाल या सीखे लेकर सारे जमाने में फैला देना बिल्कुल, ताकि जैसा उसके साथ हुआ और किसी के साथ ना हो। सुनेगा, लक्ष्मण आए हो यदि मुझसे सीख पाने को, लक्ष्मण आए हो यदि मुझसे सीख पाने को, लक्ष्मण में रहे बतलाना कुल जमाने। रावण रो रहा है और लखनलाल से कह रहा है, क्या कह रहा है? स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना था लगा पाया नहीं, सिंधु जल मीठा बनाना था बना पाया नहीं। लगाना था नहीं लगा पाया, सिंधु जल को मीठा बनाना था नहीं बना पाया। कैसे? कैसे? आजकल करता रहा अहम में भरता रहा, कभी भी करवा दूंगा यही मन धरता तक सीढ़ी लगा सकता हूँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कल 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 मैं
सौ और नहीं लगा पाया हाँ। तो लक्ष्मण से कहा आज तैयार हो मन में रहे बतलाना कुल जमाने लावण ने पहली सीख बताई लखनलाल को कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज तैयार हो आइएगा दूसरी बात सुनेगा सुनिएगा किसमें है कितना बली है कैसे जान पाओगे किसमें कितना बल है कैसे जान पाओगे कैसे कैसे आड़ी को कमजोर समझोगे जान से जाओगे किसमें कितना बल है नहीं जान सकते हो और अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए पतला हो दूसरी सीख बता रहा है मैंने कमजोर जाना नर वानर पहचाना गलतियां मेरी भारी सहज बन गया निशाना निशाना बन गया तो सिर्फ नरवानर ही समझता था इसीलिए कहते अपने दुश्मन को कमजोर मत समझो दुश्मन जिद्दी है ना भी अमृत ना कलश रखा था लेकिन मेरी जान बचाने में वो भी काम नहीं आया ना भी अमृत ना काम आया जान बचाने को और लक्ष्मण में रहे बतलाना कुल जमाने पहली सीख बताई आज का काम कल पे मत छोड़ना दूसरी सीख बताई अपने दुश्मन को कमजोर मत समझना भाई तीसरी सीख बता रहे हैं रावण लखनलाल को भीषण तो मेरा भाई था मैंने उसको लात मार दी मैंने आपा भुलाया उसे घर से भगाया होगी मेरी मौत कैसे उसी ने लाज बताया कैसे होगी उसी ने राज बताया था मैंने उसको लात मार के बाहर कर दिया मैंने अपना आपा भुला दिया और क्या कह रहा है लखनलाल से आग हमने लगाया Yeah!
तिरस्कार करके उनको लात मार के बाहर कर दिया। मैंने अपने ही आसियाने में आग लगा दी। आग हमने लगाया अपने आसियाने में, लक्ष्मण में रहे बतलाना कुल जमाने। पहली सीख, आज का काम कल पे मन छोड़ना। दूसरी सीख, दुश्मन को कमजोर मत समझना। तीसरी सीख, अपनों का तिरस्कार मत करना। आइएगा चौथी सीख रावण की। आखिरी सांसें चल रही हैं और लखन लाल को बता रहा है, एक ही सी चार नहीं, 40 लोग बताएं, उस बात को मान लेना चाहिए। मान लेना एक झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, तीन बोल सकते हैं, लेकिन इतने सारे व्यक्ति नहीं हो सकते। यही जीवन की शिक्षा, न कोई कठिन परीक्षा, कहना है नाम रागिया। इतना कहकर रावण की सांसें रुक गईं और उसका समापन हो गया। तो कहना पड़ा, मिला एक जीवन बस बुरा कमाने को। एक जीवन मिला है, अच्छा कर लो या बुरा कर लो भैया जी। ये चार सीखे रावण ने बताया लखन लाल को, लक्ष्मण में रहे बतलाना कुल जमाने।